पहले अपना रिहर्सल विद प्रोफेशन होगा, तो इसमें क्या होता है कि इतनी सो मेनी डेट्स कंफ्यूजन हम सबको हो जाता है, आप लोगों को भी हो जाता है. तो थर्ड संडे एवरी थ्री मंथ्स, एंड थर्ड संडे के पहले वाला संडे जो सेकेंड संडे आएगा, दैट विल बी द रिहर्सल डे. ऑफकोर्स हम इन एडवांस डालते जाएंगे ये सब चीजें डालते जाएंगे, तो इसका गौर रखिएगा. और अभी तक ट्रैक में हमने कोई थीम का सोचा नहीं है, सो फ्री स्टाइल गाने हो रहे हैं जैसे हो रहे हैं, अपनी मन चाहे गाने लेते जाओ. लेकिन जहाँ तक हो सके लाइव शो में एज फार एज पॉसिबल स्टिक टू द थीम. तो वो थीम का माहौल, और अगली थीम जो आ रही है शंकर जयकिशन के बाद वाली, वो है ओपी नहीं है ओपी एंड प्रीतम, प्रीतम के गाने ओपी के गाने. वो डेट्स याद आई क्या? दो ट्रैक की डेट्स हमने फिक्स कर रखी हैं. इनफैक्ट एक सेकेंड क्विकली, इसी क्योंकि ट्रैक दिन ब दिन मैं तो डर रहा हूँ पॉपुलर होते जा रहा है. सो आई थिंक इट इज 17 सितंबर, या गुरु प्रसाद BMS ट्रैक 4, ये ट्रैक 3 है, ट्रैक 4 उसके लिए हॉल साउंड एवरीथिंग बुक हो गया है. नहीं 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 ये नहीं, आप 17 सितंबर यानी अपने टीम को अपने लाइव शो थर्ड के दो हफ्ते बाद. हाँ वही थर्ड को अपना है. 17th थर्ड इज लाइव, 17th इज ट्रैक, के ट्रैक ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. और उसके बाद एक मिनट, हाँ क्या है? हाँ हाँ अभी का ये फिक्स है, फिर जैन से क्या होगा, हर 3 महीने लाइव और उसके बीच में एक ट्रैक. नवंबर की कोई नहीं, बिकॉज हॉल भी बुक हो गया है. तो 17 सितंबर ट्रैक की बात करो, 17 सितंबर गुरु प्रसाद विद बाकायदा डिनर वगैरह, एंड 10th ऑफ दिसंबर. ये दो ट्रैक की डेट्स फिक्स हो गई इस साल की, अगली दो डेट्स हैं. याद रख लीजिए, गाने प्रैक्टिस करते जाइए, और हो सके अगर आप लोग तो काफ़ी एक्सपर्ट हो ट्रैक में ऐसे भी, तो एक हाथ बार बीच में या जैमिंग के टाइम ट्रैक भी साथ में अपन जैमिंग में थोड़ा प्रैक्टिस कर लें. स्केल कभी स्केल हमारा ऊपर नहीं पहुंच रहा, कुछ हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा साथ में करने में, और फिर आप थोड़ा स्केल नीचे करना वगैरह हो तो वो ऑफकोर्स जम्मू में जुड़ रहा है ना. सो विद दैट, कुछ और सवाल, कोई प्रश्न इससे पहले कि पुष्पा हमें फिर से कहे. दोस्तों यहाँ कैसा लगा, साउंड कैसा लगा आप सबको?